गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव योरसेल्फ नीलू फर्स्ट। इन टुडेस वीडियो आई केम अप विद अमेज़न ब्यूटी हॉल, जिसमें मैंने ब्यूटी से रिलेटेड कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट जो है परचेज किए हैं, जिसमें मुझे बहुत अच्छे से डिस्काउंट भी मिला था। और कुछ मैंने ना, आप उसे ऐड कर सकते हैं स्किन टाइप या स्किन केयर रूटीन पे, और कुछ मैंने थोड़े से ना ब्रांडेड पे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था। सो आई थॉट कि मैं भी वो ट्राई करती हूँ, उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ऑल ओवर जो है ये ब्यूटी से रिलेटेड ये हॉल बनने वाला है। सो वॉच दी कंप्लीट वीडियो। वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो कर दीजिएगा थम्स अप, यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड बेसिकली ये जो लुक जो है ना, मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है, जैसे अपकमिंग में आप क्रिसमस में या न्यू ईयर पार्टी अगर हो ना, पार्टी, तो उसमें आप ऐसा कुछ लुक जो है ना सिमिलर आप ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है। सो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा, कॉज वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट, बट जस्ट उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ कि अमेजोन में अभी चल रहा है वार्डरोब रिफ्रेशिंग सेल, जिसमें आपको 50-80% ऑफ मिलेगा फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरीज में। सो आपको क्या करना है ना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, आप एक्सप्लोर कीजिए, जहां पर भी जो भी चाहे फैशन हो, ब्यूटी हो या अदर कुछ आपके चॉइसेस हैं, आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट विश लिस्ट में आप रख लीजिए और जो भी आपको चाहिए वहां से फिर जल्दी जल्दी, जब भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसे जल्दी से अवेल कर लीजिए। सो ये स्टार्ट हुआ है 18th of December, सो अभी भी स्टिल है, सो हरी अप गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट यहाँ पे मैंने परचेज किया है द मॉम्स को, ये नेचुरल विटा रिच अंडर आई क्रीम है, जिसमें जिनका लाइक डार्क सर्कल होता है ना उसके लिए हेल्प है। आपको क्या करना है, डार्क सर्कल जो एरियाज होते हैं अंडर आईज, वहां पर आपको जो है इसे यूज करना है। अगर मैं इसकी डिटेल्स में बात करूँ, ये पैराबेन सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, और इसका बेस्ट पार्ट है ना, बहुत ही स्मूथली लाइक इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड सा है। सो इसे जस्ट आपको पंप करना है, एंड देन जो ऑन टॉप इसका जो आपको दिख रहा है ना सर्कल टाइप का, उसमें क्रीम आ जाएगी, एंड देन उसे रोलर के थ्रू आप या फिंगर टिप्स, जैसे रोलर से अप्लाई करने के बाद देन जो एक्सेस में क्रीम होगा उसे फिंगर टिप से जो है डैब डैब मोशन पे आप उसे स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब तक आप हल्का सा लाइट से मसाज कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर डार्क सर्कल, और इसे आप रेगुलर रखेंगे क्योंकि इसमें विटामिन B3 है, ऑर्गेनिक चामोमिल ऑयल है, इसमें चिया सीड ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल भी है। सो बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट हैं जो नेचुरली ये बना हुआ है। सो अगर आपका लाइक डार्क सर्कल से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं, सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही लाइट कर देता है। अगर लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उससे आपको रेगुलर रहना पड़ता है, तो उसका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा। बात करेंगे इसकी, मार्केट प्राइस है 474 रुपीज़ का, और जो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है वो मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। सो एनी हाउ ये मैंने लिया क्योंकि समटाइम्स मेरा कुछ रिसेंट से ना थोड़ा सा डार्क सर्कल के इश्यूज हैं, ऑब्वियस है नाइट में थोड़ा सा लेट तक जगने का रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स चलते हैं, तो उसे ओवरकम करने के लिए आप ये जो है ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने ये भी स्किन से रिलेटेड ही परचेज किया है, ये मैंने मामा अर्थ टी ट्री फोमिंग फेस वॉश लिया है, जो कि बेसिकली ये एक्ने पिंपल से रिलेटेड है। ये मैंने लिया क्यों है, एक तो ये ट्रस्ट वर्दी जो ब्रांड है मामा अर्थ का, ये मैंने सेम ऑलरेडी एक जो आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी यूज करके खत्म कर दिया है, दिस इज माई नेक्स्ट वन लाइक सेकेंड वाला है। सो लाइक यू कैन सी कि जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उसमें आप कंटिन्यूसली ना थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहते हो। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही डिफरेंट, और ये इसका मुझे फोम वाला जो है ना ये जो पार्ट है ये स्क्रबिंग पर्पज से बहुत अच्छा लगता है। सो ये आपको जो ये लोग चैलेंज करते हैं, ये पैराबेन एंड SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप। पहले मैं इसकी मार्केट प्राइस बता दूं, यहाँ पर मेंशन है इसका MRP जो है 399 रुपीज है। अगेन जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऑल ओवर ये थोड़ा सा बड़ा ट्यूब तो नहीं है, बॉटल बोल सकते हैं, है ये है 150 ml के इसका प्रोडक्ट होगा इसकी क्वांटिटी। सो अच्छा खासा क्वांटिटी आपको मिल रहा है। सो इसकी बात करते हैं, फर्स्ट इसको ना ऐसे ओपन करना है लाइक ऐसे, और मैं साइड में आपको दिखा दूंगी, ये जो ब्रसल है ना बहुत ही सिलिकॉन टाइप के, बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट ब्रसल दिए गए हैं, जो कि आप जब अपने
अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही स्मूथली है, कोई हार्श नहीं लगेगा। आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर जो पंप वाला पॉइंट है इसे जस्ट आपको ऐसे ऐसे पंप करना है, प्रोडक्ट जो है इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आप पहले आपके फेस को वेट कर लीजिए, देन उसके बाद इसको ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, स्क्रबिंग का काम करता है। और इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला ओपन भी हो जाता है, लाइक आप जैसे हो जाएगा फेस वॉश, उसके बाद इसको निकाल के वॉश कर लीजिए, इसी के साथ निकाल के इसी में रख सकते हैं। और इसे अगर रखना है इसे आप रख दीजिए, थोड़ा सा ना कवर रहता है तो इसमें आपको फेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत जेंटली क्लीन करता है आपके फेस में एक्सेस ऑयल होता है और एंटीबैक्टीरिया को बहुत इजीली जो है रिमूव करता है। बहुत ही स्मूथ सा है और इसके फ्रेग्रेंस भी जो भी हैं दोनों के बहुत ही माइल्ड से हैं, तो कुछ भी हार्श जैसा फील नहीं करेगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं, एक्ने पिंपल के लिए बहुत अच्छे। इसके डिफरेंट भी हैं, आप के अकॉर्डिंग जो भी स्किन टाइप में आपको जो भी इश्यूज हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मेरे थोड़े एक्ने पिंपल का इशू है तो मैंने यही वाला पिक किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेकअप आइटम से लिया है, लाइक यू कैन सी माय लुक, जो मैंने लुक क्रिएट किया है। सो इस टाइप का लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ना जो काजल एक लिया है, ये कंपनी पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है बिलोरा कोल किस इंटेंस काजल और ये पेरिस, मेड इन पेरिस है। सो इसमें मैं अगर बताऊँ तो फर्स्ट MRP इसकी दे रखी है 599, आफ्टर डिस्काउंट मुझे जो मिला है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर रही हूँ। बहुत टाइम से ना, अभी कुछ टाइम से मैं बिलोरा के कुछ आइटम देख रही हूँ जो मेकअप से रिलेटेड, लाइक काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, और उनके रिव्यूज़ मैंने देखे ना तो उन्होंने बहुत चैलेंज किया है उनके रिव्यूज़ में कि बहुत ही इंटेंस वाला जो काजल है, हाइड्रेटेड है। तो मैंने जब इसको अप्लाई किया ना, सीरियसली गाइस, ये इतना हाईली पिगमेंटेड काजल है, लाइक मैंने मेबेलिन का भी यूज़ किया है, अदर भी किए हैं, तो समहाउ कोई ना कोई थोड़ा सा होता है ना, आप सेटिस्फाई पूरे प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, बट दिस इज़ दी काजल। सीरियसली मैंने जब अपने हाथ में भी ये देखे, हाथ में मैंने यहाँ पर ट्राई करके दिखाया, बट ये आपका एक चीज़ है, ये स्मच प्रूफ है, बट इंस्टेंट लगाने के बाद आप स्मच करेंगे तो फैल जाएगा, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना देन वो रिमूव नहीं होने वाला। तो ये स्मच प्रूफ काजल है। सो बेसिकली इसे मैंने अपने वाटर लाइन पे इसमें अप्लाई करके नहीं दिखाया, इसे जस्ट मैंने थोड़ा स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है, तो उसके लिए काजल यूज़ किया था। और लगाते ही फर्स्ट स्ट्रोक में इतना ज़्यादा डार्क एंड पिगमेंट दिख रहा था, सो यू कैन सी। सो अगेन, अगर आप कुछ हाईली कोल्ड काजल टाइप का ट्राई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द वन, यू कैन ट्राई इट। तो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया, अगेन ये बिलोरा से ही रिलेटेड है, उसी ब्रांड का है। यहाँ पर मैंने लिपस्टिक एक परचेज किया है और अगेन मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, एडवर्टीजमेंट देखे थे कि बहुत ही हाईली पिगमेंटेड कलर है और स्मच प्रूफ है। फिर मैंने यही लिपस्टिक अप्लाई किया है और सी ये स्मच प्रूफ है, सो ये मास्क के अंदर भी आप वेयर कर सकते हैं, लॉन्ग लास्ट ये है। जो MRP है 599 है और डिस्काउंटेड प्राइस मैं आपको इसके स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। सो इसमें कलर्स अवेलेबल था, सो बट मुझे थोड़ा सा ना डार्क, लाइक रेड भी नहीं, लाइक रिच रेड होता है ना, वैसा कुछ चाहिए था। सो मुझे ये कलर मिला एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी, क्योंकि आप जब लिपस्टिक पे बात आती है ना तो आप ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो और परचेस कर लेते हो, और आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा, जब मैं परचेस कर लेती हूँ ना, जब मैं लेके आती हूँ और अप्लाई करती हूँ ना, तब मुझे लगता है सिमिलर शेड मेरे पास ऑलरेडी है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मेरे पास रेड है, बट जो रेड मैं सर्च कर रही थी ना वो यही है। सो इसी से 19-20 वाला जो फर्क वाला रेड है ना, लाइक थोड़े से ऑरेंज शेड में आ जाता है या थोड़े से डार्क आ जाता है या थोड़ा सा लाइट, सारे हैं मेरे पास। और अगेन क्रिसमस टाइम पे थोड़ा सा रेड रेड आप वेयर करना चाह रहे हो तो इस टाइप का लिपस्टिक जो है आफ्टर आपका वर्क करेगा। इनफैक्ट आपके न्यू ईयर पार्टी ईव हो तो वहाँ पर भी आप ऐसा कुछ लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये है शेड नंबर 23 फ्रेंच रेड, सो ये इसका शेड नंबर है, यहाँ पर भी मेंशन है। सो शायद मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूंगी तो आपको दिख जाएगा। सो अगर आपको सिमिलर शेड चाहिए तो ये आप ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने परचेज किया है जो कि स्विस ब्यूटी का है और ये एलोवेरा विद विटामिन ई के साथ आता है। ये भी लॉन्ग लास्ट रहता है, ये सेटिंग आपके मेकअप को सेटिंग करने में लंबे, लाइक लॉन्ग लास्ट है तो लंबे टाइम तक इसको सेट रखेगा। इसे आप एज अ फेस मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइक बिफोर स्टार्ट योर मेकअप आप टोनर अप्लाई करने के बाद इसे जस्ट स्प्रे कर लीजिए, वो एक मिस्ट का काम करता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है मॉइस्चराइजर, आप वो भी कर सकते हैं। सो इसे मैंने आफ्टर डन माई मेकअप, इसे मैंने यूज़ करके भी दिखाया है। सिंपल
थोड़ा सा हार्श लग सकता है, बट ओपन आइज करके मत लगाइएगा, क्लोज योर आइज, देन जब फिनिश हो जाता है उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। सो इसका स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा मुझे फ्रेग्रेंस लगा, बट एनी हाउ अच्छा वर्क कर रहा है और बजट फ्रेंडली है। सो ये भी आप अगर मेकअप सेटिंग स्प्रे अगर DIY नहीं बनाना चाह रहे, अगर आप कुछ बजट के अकॉर्डिंग खरीदना चाह रहे हैं, तो दिस इज द वन, यू कैन गो फॉर इट। और इसका मैं MRP के साथ थोड़ा सा बता दूँ, सो यहाँ पर 249 यहाँ पर मेंशन है इसका MRP। एंड लास्ट में मैंने एक ना ऐसा रोज फ्लावर परचेज किया है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो हेयर एक्सेसरीज में काम आता है। सो इसके बैक में लाइक जस्ट ये चिटपुट टाइप का होता है ना, ये जस्ट अगर वन पीस लेते हैं ये 99 रुपीज का है, अगर दो लेंगे तो उसका भी इनके पास ऑप्शन होता है। बट जब मैंने परचेज किया था इमेज में लाइक फोटो में दो दिख रहा था, और इनफैक्ट यहाँ पर पैक ऑफ वन पे वन है, बट मैंने डिस्क्रिप्शन भी बाद में चेक किया उसमें नंबर ऑफ पीसेस जो है टू लिखा था, बट स्टिल आई रिसीव्ड वन। तो ये मैंने परचेस किया है, बहुत ही लाइक है आर्टिफिशियल, बट लॉन्ग लास्ट भी रहेगा आपका। सो इसे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप हेयर स्टाइल कर सकते हैं लाइक बन या पीछे का बैक का, उसमें आप इसे जो है ना थोड़ा सा लाइक ऐसे करके लगा दे सकते हैं। 99 का मुझे मिला था, इसे ना आप जरूरी नहीं आप बाल पे, आप सपोज कोई ड्रेस पहन रहे हैं ना उसके साथ भी ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा से इस क्लिप के साथ आता है, आप जैसे ना सेंटर में कुछ इस टाइप का जो है आप स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप साइड में कुछ ड्रेस के जो है यहाँ पर आप इसको ऐसे लगा सकते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, राइट। सो इसके आप मल्टीपल वेज हैं, आप उसे यूज कर सकते हो। अभी सिंपली मैं स्टाइल चेंज नहीं करना चाह रही, सो सिंपली मैं एक बार आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सो ये कुछ इस टाइप का आपको लगेगा, सी अच्छा लग रहा है ना, तो कुछ इस टाइप का अगर आप रखना चाह रहे हैं, कभी भी कुछ भी मूड हो जाता है, कभी पार्टी या ओकेशनली हमें कुछ इस टाइप का अगर हेयर स्टाइल करते हैं डिफरेंट टाइप का, उसमें ये काम में आ जाता है। सो इसे आप एक ऑप्शन रख सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। सारे प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करके जा रही हूँ, जो भी चीज आपको इसमें से पसंद आ रहा है डायरेक्टली आप लिंक में क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। एंड मेरी क्रिसमस इन एडवांस। और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट जो है मैं एक और फैशन हॉल लेके आने वाली हूँ, जो कि विंटर हॉल होगा, जिसमें फैशन से रिलेटेड भी है और विंटर से कॉम्बी पैक होगा। सो उसे भी जरूर देखिएगा। सो स्टे ट्यून।